करीब 7 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां दोस्तों लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों, जिस तरीके से देश में कुछ राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, ऐसे में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन भी किया है और दोस्तों सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय गवाए दोस्तों शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि 1 अगस्त से बदल जाएंगे आपके पैसे से जुड़े ये 3 नियम। एटीएम रखते हैं तो जरूर पढ़े ये काम की खबर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और अगस्त की शुरुआत कई नई चीजों के साथ होगी। खासकर आपकी पॉकेट से जुड़ी चीजों पर इसका असर देखने को मिलेगा। 1 अगस्त से बैंकिंग से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे, इसका असर आप पर भी होगा, इसलिए जरूरी है कि वक्त रहते इन्हें समझ लें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे बड़ा बदलाव आपकी सैलरी, पेंशन और ईएमआई से जुड़ा हुआ है। दरअसल 1 अगस्त से बैंक से होने वाले आपके कई लेन देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई के नए नियम के मुताबिक अब बैंक के ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और इसके बाद हर विड्रॉल पर चार्ज देना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इसी हफ्ते आ सकते हैं सीबीएसई के रिजल्ट, जाने कहां करे चेक। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई जल्द ही कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षा के परिणाम घोषित कर सकता है। इस साल कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दिया था। हालांकि सीबीएसई ने कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट बनाने के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया तैयार किया है। दोस्तों आपको बता दें कि रिजल्ट आने के बाद छात्र सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट से इसे देख सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की खुशखबरी, इस दिन किसानों के खाते में आ जाएंगे 2000 रुपए। तुरंत लिस्ट में चेक करें अपना नाम। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 9वीं किस्त का इंतजार है। दरअसल अब तक किसानों के खाते में इस योजना की 8 किस्त डाली जा चुकी है और केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 2000 रुपए की 3 किस्त यानी कि 6000 रुपए डायरेक्ट भेजती है। आपको बता दें कि अब किसानों का इंतजार भी खत्म होने वाला है। अगर आपने भी पीएम किसान स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आप भी इस योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एलपीजी गैस भरवाने में अब चलेगी ग्राहकों की मर्जी, मोदी सरकार ने शुरू की है नई सुविधा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। दरअसल अब ग्राहक अपने मन के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकेंगे। मतलब ये हुआ कि अब ग्राहक तय करेगा कि उन्हें किस डिस्ट्रीब्यूटर से गैस सिलेंडर भरवानी है। वर्तमान में ग्राहकों को किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर से गैस सिलेंडर भरवाने के लिए बाध्य होना पड़ता था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश के 7 राज्यों में 22 जिलों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक, महामारी अभी नहीं हुई है खत्म। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश के 7 राज्यों के 22 जिलों में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी ने केंद्र और प्रदेश सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि कोरोना के केस में ये इजाफा चिंता का विषय है और हम इसको लेकर राज्यों के साथ बात कर रहे हैं। वहीं देश में अभी भी 54 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा बना हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आपकी थाली तक जल्द पहुंचेगी सस्ती दाल, कीमतें कम करने के लिए सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि जल्द ही आपकी थाली तक सस्ती दाल पहुंचने लगेगी। भारत सरकार ने मसूर के दाल के आयात पर लगने वाले आयात शुल्क को हटा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने आयात पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस को घटाकर 10% कर दिया है और घटा हुआ सीमा शुल्क और सेस मंगलवार से लागू भी हो गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हेमंत सरकार का अपने कर्मचारियों को तोहफा, डीए में 11% का इजाफा, जाने कब से होगा लागू। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। हेमंत सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 17% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला किया है, जो 1 जुलाई 2021 से लागू भी हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि SBI के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए है। बैंक ने SBI योनो को लेकर दी है नई जानकारी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि SBI योनो ने हाल ही में एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसकी जानकारी ग्राहकों को होनी चाहिए। दरअसल
पिछले एक साल में नेट बैंकिंग लेन देन में भारी उछाल आया है, लेकिन इसके साथ ही कई फ्रॉड की समस्याएं भी आई हैं। बैंक ने कहा है कि योनो ऐप का नया वर्जन नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आ रहा है। जो भी ग्राहक योनो ऐप में लॉगिन करना चाहते हैं, वे रजिस्टर मोबाइल या फिर फोन नंबर का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। और योनो के नए रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक ने कहा है कि ग्राहकों को उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा जो बैंक में रजिस्टर है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों को मिले योजना का लाभ। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों को पीएम केयर्स फंड से घोषित योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे बच्चों के बारे में जल्द ही आवश्यक जानकारी जुटाएं और संबंधित वेब पोर्टल पर जल्द से जल्द डेटा को अपलोड करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, देश में अगले महीने से बच्चों के लिए आएगी कोरोना की वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री ने दी है इसकी जानकारी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि ये लहर बच्चों को भी प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसी बीच एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी है कि अगस्त महीने में ही बच्चों को लगने वाले कोविड-19 वैक्सीन भारत में आ सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये सूचना मंगलवार को भाजपा की संसदीय दल की बैठक के दौरान दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, कैबिनेट का फैसला, प्रदेश में 1 अगस्त से खुल जाएंगे कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा, राजस्व और वित्त विभाग समेत अलग अलग विभागों के 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आपको बता दें कि बैठक में फैसला लिया गया कि 1 अगस्त से प्रदेश में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे और 1 अगस्त को रविवार होने के कारण स्कूलों को कार्य दिवस के दिन यानी कि 2 अगस्त से खोला जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, कोरोना संक्रमित 4 और लोगों ने तोड़ दिया है दम। 36 नए मरीज आए हैं यूपी में सामने। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमित 4 और लोगों की मौत हो गई है और इसी दौरान 36 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, उड़ीसा में कोरोना वायरस से 60 मरीजों की मौत, फिर से खुल गए हैं स्कूल। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि उड़ीसा में कोविड-19 से 60 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5634 हो गई है। वहीं 1629 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 970814 हो गई है। और इसी बीच राज्य में 3 महीने से भी अधिक समय से बंद पड़े 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल को फिर से खोल दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने स्कूलों में सख्ती से कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि स्कूल हालांकि खुल गए हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं में आना अनिवार्य नहीं किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, यूपी, बिहार, दिल्ली सहित इन राज्यों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी है। कई दिनों से गर्मी में जी रहे राजधानी के लोगों को मंगलवार सुबह कुछ राहत मिली। दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार को बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान था कि दिल्ली समेत हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में 27 जुलाई को बारिश होगी। यूपी बिहार में भी मौसम करवट लेने लगा है। IMD बिहार के लिए अलर्ट जारी किया है। बिहार में भारी बारिश के साथ वज्रपात भी होने की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों, खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर।